फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी हिंदी फिल्म वनश्री का कल पोस्टर लॉन्च हुआ। इस दौरान इस अवसर पर तुकाराम जी मोने फिल्म के निर्माता तुकाराम मोने ने कहा कि मैं इस वन विभाग में 29 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सरकारी सेवा में आने के बाद से मैं वन विभाग की तर्ज पर एक हिंदी फिल्म बनाना चाहता था, जैसे पुलिस विभाग की तर्ज पर फिल्में बनाई गई हैं। वनों की महत्ता को फिल्म के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। फिल्म की कहानी को संक्षेप में कहे तो रमेश एक गांव में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति है। वह अपने परिवार से उतना ही प्यार करता है जितना वह पेड़ों और जंगलों से करता है, और रमेश लोगों को पेड़ों और जंगलों के महत्व से अवगत कराता है। वह अपनी पत्नी को चाहता है कि उसको एक बेटी हो और वह वन विभाग में नौकरी कर जंगल और पर्यावरण की सेवा करे, लकड़ी की तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। रमेश को बेटी ही होती है। कॉलेज खत्म होने के पश्चात उसने विदेश में नौकरी का करोड़ों रुपए का ऑफर छोड़ दिया और वन विभाग में वन परिक्षेत्र अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। और कैसे वह लकड़ी के तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करती है और काम करते समय वह कैसे पीड़ित होती है, आपको निश्चित रूप से ही नजदीकी थिएटर में जाना चाहिए और ये फिल्म अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये अनोखी फिल्म कथा, इस फिल्म के अंदर जाने माने कलाकार है इसके अंदर, और वनश्री ने का रोल निभाया है एमी ने, इतना पावरफुल रोल निभाया है, एक्सलेंट माइंड ब्लोइंग रोल है और इन्हें बेखूबी निभाया भी है। तो मैं जनता से यह कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म नज़दीक के थिएटर में जाके जरूर देखना चाहिए। इसके अंदर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, दूसरी बात लेडीज़ को यानी वुमन को इम्पावरमेंट करना, ये दिखाए लेडीज़ ने, तो ये फिल्म देखना ही चाहिए। इसके अलावा ये सब स्कूल के बच्चों ने भी देखना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक है, तो उनको भी ये पेड़ के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जागरूक हो जाएंगे। इसलिए स्कूल के बच्चों ने भी ये फिल्म देखना चाहिए, लेडीज ने भी देखना चाहिए और जेंट्स ने देखना चाहिए। और दूसरी बात, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने, चाहे एफडीसीएम हो, सामाजिक वनीकरण हो, फॉरेस्ट टेरिटोरियल हो, सभी ने ये फिल्म देखना चाहिए, उनको भी मोटिवेशन मिल जाएगा। जो जंगल में काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ। तो सभी ने ये फिल्म देखना चाहिए, और एक खास तौर पे अपने नागपुर शहर में पहला हिंदी चित्रपट है जो आज थिएटर में आ रहा है। ये 23 सितंबर को अपने नज़दीकी थिएटर में जाके ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। फिल्म वनश्री की नायिका एमी है और एमी ने एक वन परिक्षेत्र अधिकारी की भूमिका निभाई है और तुकाराम मोने ने रमेश की भूमिका निभाई। फिल्म के निर्देशक सुरेश सरोज हैं और फिल्म का संगीत एवं गीत लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित है। गाने नकास अजीज, पामिला जैन, खुशबू जैन द्वारा गाए गए हैं। गाना बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। उक्त फिल्म में वनश्री की भूमिका को एमी ने बेहतरीन ढंग से निभाया है और समीर खान, जहीरा वहाब, अली खान, कुमार राजपूत, तुकाराम मोने, राजेश भाटी, ज्ञानेश मोगा अभिनेता और सभी अभिनेत्रियों ने भी इसमें अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।